Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series की शुरुआत की है मैंने. आज डे 4 है और आज आप सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. जैसे कि आप कुछ वर्ड्स यहाँ देख सकते हैं, इसके अलावा भी और आप बहुत सारे वर्ड्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं. और अगर आपने डे 1, डे 2 या फिर डे 3 मिस कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके उसे ज़रूर से देख ले, क्योंकि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो, हर एक डे का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक ग्रामर कवर कर रहे हैं. तो शुरुआत हमने वर्ड से की है, आगे चल के हम सेंटेंसेस, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोडल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन सब कुछ सीखेंगे. तो एक भी दिन का वीडियो आपको मिस नहीं करना है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये जरूर बताइएगा कि कौन सा वर्ड आपको नया लगा या सबसे ज्यादा अच्छा लगा. तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए आज शुरुआत करते हैं डे 4 की और सीखते हैं कुछ नए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स. लेट्स बिगिन. तो डे 4 में हमने जो सबसे पहले वर्ड्स लिए हैं वो ये हैं. वन बाय वन समझते चलते हैं. तो सबसे पहला है H-E-R-E, इसे प्रोनाउंस करते हैं हियर या फिर हियर. तो हियर या फिर हियर, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी ठीक है. फर्क क्या है ब्रिटिश और अमेरिकन का, ये मैं डे 1 में भी डिफाइन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आपको. तो अगर आपने नहीं देखा हो तो डे 1 में देखें, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसका मतलब होता है यहाँ किसी जगह की हम बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के लिए यूज होता है हियर. तो सेंटेंस है कम हियर. कम मीन्स आना, हियर मीन्स यहाँ. तो क्या कह रहे हैं, कम हियर, यहाँ आओ. कई बार आप ऐसे भी बोलते हैं कम ओवर हियर, यहाँ पर आओ. तो दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप हियर का यूज ऐसे भी सेंटेंसेस में करते हैं, जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो आप क्या कहते हैं हिंदी में, ये लीजिए या फिर ये रहा. तो उसके लिए इंग्लिश में एक सेट फ्रेज है जो कि है हियर यू आर, हियर यू आर या फिर हियर यू गो. हियर यू आर या फिर हियर यू गो, दोनों का मतलब सेम है. इसके अलावा हियर यू गो के और भी मीनिंग्स होते हैं जो आप आगे सीखेंगे. तो अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो आप हियर का यूज करके इस तरीके से बोल सकते हैं. अब अगला है वेयर, टी एच ई आर ई, इसे प्रोनाउंस करते हैं वेयर या फिर देयर. इसका मतलब होता है वहां, ये भी किसी प्लेस के लिए यूज होता है. सेंटेंस है गो देयर, मतलब गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहां. तो क्या बोल रहे हैं आप, वहां जाओ, गो देयर. तो जिस तरीके से मैंने हियर का यूज बताया कि हियर आप ऐसे सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं जब आप किसी को कोई चीज देते हैं, उसी तरीके से देयर का भी आप यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं देयर यू गो. तो ये भी आप सेम सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, किसी को कोई चीज देते हुए हियर यू गो या फिर देयर यू गो या फिर देयर यू आर. तो इस तरीके से आप हियर यू आर, देयर यू आर, हियर यू गो, देयर यू गो, किसी को कोई चीज देते हुए यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो एक यूज है, जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे आप कहते हैं एक राजा था, तो यहाँ आप इस तरीके से नहीं बोल सकते अ किंग वॉज, यहाँ पे आपको देयर की हेल्प लेनी पड़ेगी और आप बोलेंगे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप देयर का यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए आपको कहना है कोई दरवाजे पर है, देयर इज समवन एट द डोर. तो देयर को सब्जेक्ट बना के आप कई सारे सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है, अब अगला है इन फ्रंट ऑफ, एफ आर ओ एन टी फ्रंट. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, फ्रंट का मतलब होता है सामने, बट आप सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज करते हैं. सेंटेंस है ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने है. इसका मतलब हुआ वो मेरे सामने है, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, अब अगला है बी ई एच आई एन डी, इसे प्रोनाउंस करते हैं बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. तो जैसे अगर मुझे कहना हो कि बोर्ड मेरे पीछे है तो मैं बोलूंगी द बोर्ड इज बिहाइंड मी, द बोर्ड इज बिहाइंड मी. तो पीछे के लिए आप बिहाइंड का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज बिसाइड, बी ई एस आई डी ई, प्रोनाउंस करते हैं बिसाइड. इसका मतलब होता है बगल में या फिर पास में. तो बगल के सेंस में भी यूज करते हैं. अब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और बोलती हूँ कि बोर्ड मेरे बगल में है तो मैं बोलूंगी द बोर्ड इज बिसाइड मी, द बोर्ड इज बिसाइड मी,
बोर्ड मेरे बगल में है, मान लीजिए कोई और मेरे बगल खड़ा है तो मैं बोलूंगी ही इज बिसाइड मी, वो मेरे बगल में है। इसी तरीके से पास में के लिए भी आप यूज करते हैं, जैसे आपको सेंटेंस बोलना है कम एंड सिट बिसाइड मी, आकर मेरे पास बैठो, तो यहां पर पास बैठना मतलब बगल में बैठना, तो पास के सेंस में भी आप बिसाइड यूज करते हैं कम एंड सिट बिसाइड मी, आकर मेरे पास बैठो। ठीक है, अब अगला है बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई प्रोनाउंस करेंगे बिफोर, इसका मतलब होता है पहले। सेंटेंस है वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, मील्स यहाँ पे मतलब है खाने के लिए। ठीक है, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स। अगला है मीट मी बिफोर लीविंग, यहाँ लीविंग का मतलब है कहीं जाने से, सो मीट मी बिफोर लीविंग, जाने से पहले मुझसे मिल लेना, मीट मी बिफोर लीविंग। जैसे सपोज कि मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि 10:30 बजे से पहले मेरे पास आ जाना, कम टू मी बिफोर 10:30। ठीक है, इस तरीके से आप बिफोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ए एफ टी ई आर, प्रोनाउंस करेंगे आफ्टर, इसका मतलब है बाद में। तो जब कोई काम पहले करते हैं तो बिफोर यूज किया, जब कोई काम बाद में करते हैं तो आफ्टर यूज करेंगे। I'll come after 10 o'clock. I यहाँ पे contraction है I will का या फिर I shall का। I के साथ आप दोनों use कर सकते हैं। I'll come यानी कि मैं आऊंगा after 10 o'clock, 10 बजे के बाद। After यहाँ बाद के लिए use हुआ है, तो मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। I'll come after 10 o'clock. The next is BETWEEN. इसे प्रोनाउंस करेंगे बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, लेकिन मोस्टली ये दो चीजों या दो लोगों के लिए यूज होता है। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा था बिटवीन रोहन एंड मीरा, रोहन और मीरा के बीच में। ही वॉज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मीरा, वो रोहन और मीरा के बीच में बैठा था। तो यहाँ दो लोगों की बात हुई और दो लोग क्लियरली सेपरेटेड हैं, तो यहां पे हमने बिटवीन यूज किया। नेक्स्ट इज अमंग, ए एम ओ एन जी, इसे अमंगस्ट भी बोलते हैं, तो दोनों प्रोनंसिएशन है, दोनों स्पेलिंग्स हैं और दोनों ही सही हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है और लेस कॉमन है, मतलब अमंग ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, इसे प्रोनाउंस करेंगे अमंग और इसे प्रोनाउंस करेंगे अमंगस्ट। ठीक है, आधा ग आधा स, अमंगस्ट, इसका भी मतलब होता है बीच, लेकिन बिटवीन आप यूज करते हैं क्लियरली सेपरेटेड चीजों के लिए और अमंग यूज होता है जो क्लियरली सेपरेटेड ना हो। यानी कि ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, वह बैठा था दोस्तों के बीच में, तो दोस्त यानी कि एक ग्रुप की बात हो गई। तो जब आप ग्रुप में बताना चाह रहे हैं, उसके बीच की बात कर रहे हैं, तो आप अमंग यूज करेंगे। He was sitting among friends. वो दोस्तों के बीच में बैठा था। तो जब आप clearly separated चीजों की बात करते हैं तो between का use करते हैं, और जब clearly separated ना हो तो among का use करते हैं। तो mostly किसी group के लिए among का use होता है, और जब सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं तो between का, लेकिन दो से ज्यादा लोगों के लिए भी between का use होता है, लेकिन वो clearly separated होने चाहिए। ठीक है, next is BECAUSE, इसे प्रोनाउंस करते हैं because, इसकी मीनिंग है क्योंकि। क्योंकि आप तब यूज करते हैं जब आप कोई कारण बताते हैं। सेंटेंस है व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने ये क्यों किया, व्हाई डिड यू डू दिस, बिकॉज मीरा टोल्ड मी टू, क्योंकि मीरा ने कहा मुझसे करने को। इस तरीके से आप बिकॉज का यूज करते हैं। अगला है देयरफॉर, देयरफॉर प्रोनाउंस करते हैं देयरफॉर, टी एच ई आर ई एफ ओ आर ई, इसका मतलब होता है इसलिए या फिर इस कारण से। सेंटेंस है दिस सीट इज बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल, ये सीट बड़ी है और इस कारण से ये और ज्यादा आरामदायक है। दिस सीट इज बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल, तो जब भी कभी आपको इस कारण से बोलना हो, इसलिए बोलना हो, तो आप देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, मैं लेकर आती हूँ कुछ और वर्ड्स। अब चलिए सीखते हैं कुछ और वर्ड्स। तो जो हमने यहाँ ले रखा है वो है ओ टी एच ई आर डब्ल्यू आई एस ई, इसे प्रोनाउंस करते हैं अदरवाइज, अदरवाइज, इसका मतलब होता है अन्यथा या फिर वरना।
जब आप किसी भी सेंटेंस में इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं वरना या फिर अन्यथा ऐसा हो जाएगा तब आप अदरवाइज का यूज करेंगे. सेंटेंस है गो नाउ, अभी जाओ. गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन. अभी जाओ अन्यथा या फिर वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी. गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी. ठीक है, अगला है ALWAYS, इसे प्रोनाउंस करते हैं ऑलवेज. इसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा या फिर सदा भी बोलते हैं इसे. तो जब कभी ऐसे वर्ड्स का यूज करना हो तो आप ऑलवेज यूज करेंगे. सेंटेंस है यू ऑलवेज डू सो, तुम हमेशा ऐसा करते हो. तो यहाँ सो का मतलब है ऐसा, कोई काम किसी ने कर दिया तो आप कहते हैं तुम हमेशा ऐसा करते हो, यू ऑलवेज डू सो. ठीक है, अगला है इसका ऑपोजिट NEVER, नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, हमेशा का ऑपोजिट हुआ कभी नहीं, ऑलवेज नेवर. तो जवाब आता है आई नेवर डू सो, मैं ऐसा कभी नहीं करता, आई नेवर डू सो. ठीक है, अब अगला है EVER, इसे प्रोनाउंस करेंगे ever. ever का मतलब होता है हमेशा, जैसे always का मतलब हमेशा वैसे ही ever का मतलब भी हमेशा. और ये कई सेंस में यूज होता है, जैसे कि कभी भी कहना हो, यानी कि अब तक कभी भी, पहले से लेके अब तक के लिए. तो सेंटेंस है have you ever loved me, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया है. तो पहले से लेके अब तक की बात कर रहे हैं तो आपने यूज किया ever, have you ever loved me. द नेक्स्ट इज Of course, OFCOURSE, ध्यान दीजिएगा ऑफ और कोर्स अलग अलग लिखते हैं, इसे प्रोनाउंस करेंगे ऑफ कोर्स. इसका मतलब है जरूर. सेंटेंस है कैन आई यूज दिस, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. जवाब आता है ऑफ कोर्स, जरूर बेशक कर सकते हैं. तो मतलब कोई अगर आपसे कुछ पूछता है और आपको कहना है जरूर, मतलब आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप ऑफ कोर्स का यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज OFTEN, इसे प्रोनाउंस करते हैं ऑफन. इसका मतलब होता है प्रायः या फिर अक्सर. तो जो काम आप अक्सर करते हैं उसके लिए आप ऑफन का यूज कर सकते हैं. सेंटेंस है आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, मतलब आए दिन वहां जाता हूँ, अक्सर प्रायः. ठीक है, अगला है USUALLY, इसे प्रोनाउंस करते हैं यूजुअली. इसका मतलब होता है आमतौर पर. I usually wake up at 6:30. आमतौर पर मैं 6:30 बजे उठती हूँ या जागती हूँ. ठीक है, सो आमतौर पर के लिए यूज करेंगे usually. अगला है ALMOST, इसको प्रोनाउंस करते हैं almost. Almost का मतलब होता है लगभग, मतलब करीब करीब. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पूछता है हो गया, तो आप कहते हैं लगभग लगभग हो गया या फिर करीब करीब हो गया. तो उसे आप बोलेंगे इट्स, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट डन, इट इज ऑलमोस्ट डन. शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इट्स ऑलमोस्ट डन, लगभग हो गया है. ठीक है, आप तैयार हो रहे हैं, कोई कह रहा है जल्दी करो, तो आप कहते हैं आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मैं लगभग तैयार हूँ, मतलब बस थोड़ी देर में पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगी. तो करीब करीब तैयार हूँ, आई एम ऑलमोस्ट रेडी. ठीक है, अगला है HARDLY, इसे प्रोनाउंस करते हैं हार्डली. इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से यानी कि लगभग कुछ नहीं, लगभग जीरो के बराबर. देयर इज हार्डली एनी कॉफी लेफ्ट, मतलब कि मुश्किल से थोड़ी सी कॉफी बची होगी. तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि कॉफी बची नहीं है, शायद ही मुश्किल से थोड़ा बहुत मिल जाए. देयर इज हार्डली एनी कॉफी लेफ्ट, तो ऐसे के लिए आप यूज करते हैं हार्डली. द नेक्स्ट वन इज OCCASIONALLY, इसे प्रोनाउंस करते हैं ओकेजनली. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ख लिख रखा है, यहाँ पे मैं क नहीं बोल रही हूँ. तो कई बार सी की प्रोनाउंसिएशन क ना हो के ख होती है, तो इसे प्रोनाउंस करते हैं ओकेजनली. ठीक है, इसका मतलब होता है कभी कभार, यानी कि कभी कभी. वी सी ईच अदर ओकेजनली, हम एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, यानी कि अक्सर नहीं मिलते, तब आप यूज करते हैं ओकेजनली. ठीक है, इस तरीके से आपने सीखे ये वर्ड्स, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. तो अब मैं
मैंने वो वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है. और सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वर्ड्स आप सीखने वाले हैं इन सबको कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स के लिए यूज होते हैं, ऐसे व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए यूज होते हैं जो निश्चित ना हो. किसी की भी बात आप कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन चारों का यूज हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, इन चारों का यूज हम करते हैं किसी स्थान के लिए, और इन चारों का यूज हम करते हैं किसी वस्तु के लिए. आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे इसके लास्ट में वेयर 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 लगा है जो इस जगह के लिए यूज होता है. इनके लास्ट में थिंग लगा हुआ है तो किसी चीज के लिए यूज होता है, और इनके लास्ट में वन 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 बड़ी तो ये इंसानों के लिए किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है. अब चलिए इनका मतलब समझते हैं. तो सबसे पहले है एनीबॉडी या फिर एनीवन, दोनों का मतलब सेम है. यानी कि आप चाहे इन वर्ड्स को यूज करें चाहे इन वर्ड्स को यूज करें मतलब सेम होगा. सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि ये चारों इन चारों से थोड़े कम फॉर्मल है. तो अगर आप रिटन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इन्हें ज्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है. इन्हें हम प्रोनाउंस करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं एनीबॉडी और इसे प्रोनाउंस करते हैं एनीवन. इनका मतलब होता है कोई या फिर किसी, मतलब ऐसे वर्ड्स के लिए ये यूज होते हैं. सेंटेंस है इज एनीबॉडी देयर, क्या वहां कोई है, तो इसी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं इज एनीवन देयर, क्या वहां कोई है, ठीक है. अब अगला है समबडी या फिर समवन, प्रोनाउंस करेंगे समवन, मतलब इसका भी वही है कोई या किसी. समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है. Someone is coming. आपको ये नहीं पता कौन आ रहा है लेकिन हाँ कोई आ रहा है. Someone is coming. तो मोस्टली आप ये पाएंगे कि any वाले वर्ड्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज्यादा यूज होते हैं और पॉजिटिव में सम वाले वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट इज एवरीबॉडी एंड एवरीवन, दोनों का मतलब सेम है और इनका मतलब है सभी या फिर हर कोई. तो जब आप सभी की बात करते हैं एवरीबॉडी और एवरीवन यूज करते हैं. एवरीबॉडी नोज दिस, सभी ये जानते हैं या फिर हर कोई ये जानता है. तो यहाँ पे आपने यूज किया एवरीबॉडी. अब इसका ऑपोजिट है नोबॉडी या फिर नो वन. एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सारे वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं लेकिन नो वन लिखने में इसके बीच में एक गैप है. नो वन तो ये अलग अलग लिखे जाते हैं, इसका मतलब होता है कोई नहीं. सेंटेंस है नो वन नोज दिस, ये कोई नहीं जानता, या फिर nobody knows this, ये कोई नहीं जानता, ठीक है. एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड्स हैं इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि ये सिंगुलर माने जाते हैं. अगला है anywhere जो कि किसी जगह के लिए यूज करेंगे, इसका मतलब होता है कहीं. और ध्यान दीजिएगा somewhere इसका भी मतलब होता है कहीं. लेकिन जो डिफरेंस मैंने पहले बताया कि any वाले नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज्यादा यूज होते हैं और सम वाले पॉजिटिव में. तो सेंटेंस देखते हैं हैव यू सीन मीरा एनीवेयर, क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है, क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है. और जब समवेयर की आपसे बनाएंगे तो एक सेंटेंस बनाया आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने ये कहीं देखा है. तो अगर मीरा को ही लेके सेंटेंस बनाते थे बोलते आई हैव सीन मीरा समवेयर, मैंने मीरा को कहीं देखा है, ठीक है. तो आई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है आई हैव का. ये आप स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा यूज करते हैं, बोलने में क्विक होता है, आप जल्दी से बोल लेते हैं, आसानी से बोल लेते हैं. तो आई यानी कि आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने इसे कहीं देखा है, ठीक है. अब अगला है एवरी वेयर, ई वी आर वाई एवरी डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, एवरी वेयर इसका मतलब होता है हर जगह. एवरी का मतलब ही होता है सब, हर जगह या सब जगह, ठीक है. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना. तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स वाली वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, उसमें अगर आप जाके उन्हें देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेंगी. तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना या खोजना. तो यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ है मैंने मेरी चाबियां हर जगह ढूंढी. आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज, मैंने मेरी चाबियां हर जगह ढूंढी, ठीक है. अब अगला है नो वेयर, एन ओ नो डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, साथ में बोलेंगे नो वेयर. तो ये एवरीवेयर का ऑपोजिट है, हर जगह ऑपोजिट क्या है, कहीं नहीं. नो वेयर मीन्स कहीं नहीं.
I've got nowhere to sit. मतलब मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली. ठीक है, अगला है anything. Anything, 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 इसका मतलब होता है कुछ भी, यानी कि कुछ होता है इसका मतलब. आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? I do not have anything to eat. मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. तो यहाँ पे कुछ के लिए आपने एनीथिंग यूज किया. अब अगला है समथिंग, एस ओ एम ई टी एच आई एन जी, समथिंग. समथिंग का भी मतलब होता है कुछ, लेकिन मोस्टली ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ मिला है. आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ मिला है. अगर इसी सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाते तो क्या कहते हैं? आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ है. तो पॉजिटिव में समथिंग, नेगेटिव में एनीथिंग. ठीक है, अब अगला है एवरीथिंग, ई वी ई आर वाई टी एच आई एन जी, एवरीथिंग. एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ. जैसा मैंने बताया, अगर एवरी लग गया तो सब आएगा, थिंग लगा है इसलिए कुछ आया, सब कुछ. सेंटेंस है, हैव यू गॉट एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? हैव यू गॉट एवरीथिंग. अगला है नथिंग, इसका ऑपोजिट. नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं. एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ है एन ओ टी एच आई एन जी, तो जैसे यहाँ नो वेयर था तो आपने एन ओ को नो ही प्रोनाउंस किया था, लेकिन यहाँ पे आप नो थिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ आप बोलेंगे नथिंग. तो यहाँ एन ओ को न ही प्रोनाउंस करेंगे, नथिंग. नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं. देयर इज नथिंग, वहां कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग. इस तरीके से आप कई सारे और सेंटेंसेस बना सकते हैं. अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट. Alright guys, it's all for today. I hope कि आपको ये लेसन बहुत ही पसंद आया हो, and I hope कि अभी तक आपने अपना फेवरेट वर्ड भी कॉमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा. गाइज, एक बात मैं जरूर कहूंगी, इस सीरीज का हर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें. और अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. गाइज, शुरुआत से शुरुआत की है मैंने, और इस सीरीज में आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं. तो क्योंकि इंग्लिश बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सही इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है. एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगी गाइज, कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें. बेशक अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज के साथ शुरुआत से जुड़ के मेरे साथ इंग्लिश सीख सकें. मैं मिलूंगी आपसे डे 5 में, तब तक के लिए बाय.